मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। काछी बड़ौदा में रियासत के समय में बिजली पोल पर लगे तार पूर्ण रूप से सड़ चुके हैं। आए दिन तार का टूटना होता रहता है, जबकि शासन के नियम के अनुसार हर ग्राम में केवल डालने का नियम है। इस गांव में कुल 20 वार्ड हैं। सभी वार्ड में बिजली खंभे के तार पूर्ण रूप से सड़ चुके हैं। अभी बसंत ऋतु में हवाएं चलेंगी तो तार हमेशा टूटते ही रहेंगे। इतना ही नहीं, शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ऊपर 11 केवी के तार और नीचे एलटी के तार झूल रहे हैं। यहां पर भी हादसे का भय बना हुआ है। इस संबंध में श्रीदेव कुमार शर्मा ने हमारे संवाददाता से फोन पे बात करना चाही तो शर्मा जी ने फोन तक रिसीव नहीं किया। देखते हैं ग्रामीणों की समस्या कब तक हल हो सकती है। ब्यूरो चीफ बीएल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बोले, आपका नाम क्या? राहुल। कहाँ रहते? काछी बड़ौदा। कौन सी बस्ती में? हरिजन मोहल्ले। उधर क्या कंडीशन है तार की? खंभे पे तार सड़ गए, दो बार बिजली के तार टूट गए। उससे कोई जनहानि तो नहीं हुई? हुई तो नहीं, लेकिन दो तीन बार बच गए। अच्छा अच्छा, तो मोहल्ले में ही तार है। तार रोड पे गिरे थे कि चद्दर पे? चद्दर पे गिरे थे और रोड पे गिरे थे। अच्छा, इस संबंध में लाइन में नहीं आया कुछ उच्च अधिकारियों को तुमने अवगत करवाया? फोन लगाया था, लाइट बंद करवा दी थी उन्होंने, फिर आए थे वो। अच्छा अच्छा, उधर भी हरिजन बस्ती में केबल नहीं है? नहीं है, वो तार ही है, थंबे पे तार तो सब सड़ गए है वो। अच्छा अच्छा, और गांव में केबल डली है कि नहीं डली अभी तक? गांव में नहीं डली है। एक वार्ड में भी नहीं है केबल? एक वार्ड पे भी नहीं है। ठीक है। कितने दिन से खंभे की हालत है? सर, इस खंभे की हालत कम से कम 10 साल से है करीब। इस संबंध में यहाँ के लाइन मैन या वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया आपने? सबको अवगत करा दिया मैंने, लाइनमैन को बोलते 10 बार, सुपरवाइजर साहब को बोलते 10 बार, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं चीज़ के लिए। अच्छा अच्छा, और आए दिन या तार भी टूटते रहते हैं? टूटते रहते हैं साहब, परेशान। रियासत के समय के तार है? रियासत के समय के सर, जी सर। जब यहाँ जबकि पूरे गाँव में केबल डालना थी। हाँ ठीक। आज तक केबल नहीं डली? केबल भी डली सर, कुछ भी नहीं हुआ इसके आज तक तो। अच्छा अच्छा, आपका नाम? नारू खामे। ये आपका मकान है? हाँ जी, मेरा मकान है सर। ठीक है।